पहले अपने आज भीमसेना की पूरी टीम खींचर की और अंबेडकर उससे जुड़े हुए नौजवानों के कम से कम एक दर्जन नौजवान नेता आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करो और मैं इनको दुपट्टा ओढ़ा के उनको आरएलपी में स्वागत ज्वाइन भी करवा रहा हूँ। इनको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका आरएलपी के अंदर हमेशा मान सम्मान रहेगा। आप सबको नौजवानों को आगे लाने का पूरा हनुमान बंगाल आपका परिवार की तरफ ध्यान आज मैं काशीराम जी साहब की पुण्यतिथि भी है, पुण्यतिथि भी है, इसमें भी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से तो मैंने पोस्ट डाल दी थी, लेकिन बहुत बड़ा शुभ दिन है कि दलित शोषित पीड़ित तबके को देश के अंदर अगर पहचान दिलाई स्वर्गीय काशीराम जी ने। भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर सबसे बड़ा कोई काम किया उन्होंने किया था, आज इस शुभ अवसर पर आप लोग मेरे से जुड़ रहे हो मैं भरोसा दिलाता हूँ। जिस तरह दो शेड्यूल कास्ट के विधायक जीता के राजस्थान की विधानसभा में ले गया, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को एससी एसटी ओबीसी के भाइयों के हितों का ध्यान रखते हुए आप सबको आगे लेके चलेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, स्वागत है आपका। बहुजन समाज पार्टी क्यों से रपरवारी भागीरथ जी मेघवाल आकल में बाने साहब निवेदन है का दुपट्टो पहरा स्वागत करो। बहुजन समाज पार्टी क्यों सर रहा तहसील अध्यक्ष भाई तीर्थाराम जी कीर्ताराम जी का सर बीएसपी के तहसील अध्यक्ष है वर्तमान में साहब समर्थन करो। और भीमसेनारा जिला उपाध्यक्ष मोतीराम जी मेघवाल चाउंडिया मूलाराम जी तहसील अध्यक्ष है भीमसेनारा मोतीराम जी जिले का उपाध्यक्ष है भीमसेनारा आप साहब ने समर्थन दियो नारायण जी ने समर्थन दियो। भीमसेनारा संगठन मंत्री है जिलेरा भाई प्रेम जी चिन्हिया बाणो साहब स्वागत करेला साहब ने समर्थन दियो हाँ चिन्हिया में गोला बरातल का निवासी है और भी बहुत सारा साथी है रमेश जी अपन रमेश जी है भीमसेनारा और भी हाथ बहुत सारी टीम है और एक मोती जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर है राम साहब पीर की जय भाई लोग बोलो मामा जी महाराज बाबा
चेनाराम जी, चेनदान जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता चांद चेनदान जी। राम राम साहब भाई, भाषण तो आवे कोनी है, पर बेड़े साहब रा दोए कोई रंगरा रूप में दुआ कह दी ना, जका सुनाई दी। अपनो देश बाजे वो मुर्द है, सेठू है मारवाड़ के मुर्द देश है। मैं देखो मुर्द हर मई जबर मचावे जंग, रुकियो है जो दानो रंगरे बेड़ीवाड़ सरपंच साहब मुनाराम जी, पूर्व सरपंच साहब खेताराम जी, मार साहब भाई पट्टू सिंह मेघवाल और आज हमारी भीम सेना की जो टीम सबने आज ज्वाइन किया, गणपत जी डूडी, सम्मानित मंच, डॉक्टर साहब हमारे विवेक माचरा जी, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माणकपुर पंचायत से पधारे हुए जुंजियाड़ी और भदौरा, चारों गांव से आए ना, चारों गांव से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, एक जोरदार जयकारा करें। जय बोले मामा जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, जय बोले वीर तेजा जी महाराज की, जय बोले खेतेश्वर भगवान की। मैं आप सबको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि 8, 13, 14, 18, 19 और 2003 छह बार तो वोट आपने मुझे दिए, एक बार जिला परिषद का भी डाल वो बेटे भेड़ा ना माना, 7 बार तो मुझे वोट दिया और 6 बार मेरे पिताजी को, 13 बार वोट आप लोगों ने, विचारधारा बन गया और नौजवानों ने हनुमान बेनीवाल का नई पार्टी भी पहले किसान के बेटे ने राजस्थान के अंदर बनाई, उसके 3 विधायक बने, 25 जनों ने अच्छे वोट दिए और अब आपकी अगर कृपा रही तो लोकसभा चुनाव के अंदर गठबंधन से जब आपने जिताया तो पार्टी को मान्यता भी मिल गई, अपना चिन्ह परमानेंट हो गया, इसलिए चिन्ह अब 1 नंबर पर आ गया मशीन में, इसलिए आएगा आपकी कृपा इस पार्टी पे रही। मैं धन्यवाद दूंगा खेसर की वीर जनता को कि 2018 के मोदी जी का राज बढ़ाओ, राजस्थान के अंदर घूमो, तो ऐसे मजबूत इलाकों को मैं नमन करता हूँ। वीर तेजाजी महाराज की पावन धरती है, इस धरती के मजबूत लोग नाराज जरूर हो जाते हैं लेकिन वोट के मामले में ये कभी गलती नहीं करते। भाइयों, कांग्रेस के जिस प्रत्याशी को लेके आए हमारे बीच में, अगर आपका सबका मन हो जाता और 2 महीने पहले आपको आके कह देते कि मुझे तो MLA बनना है तो मैं बोतल के चिन्ह से बना देता, आप सब मिल जाते हैं भाई। वो कह रहे ना अंतिम चुनाव है मेरा, मैंने तो कहा था मेरे घर से मैं चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, आप सबको बुलाया था मैंने, बुला के पूछा, लेकिन आप नाराज हो रहे थे कि घर से ही लड़ो नहीं तो वोट कौन देगा, सीट कांग्रेस में जाए, तो आपके दबाव से मैंने आपका मान इसलिए रखा कि आपने मेरा मान हमेशा रखा, इसलिए मैंने कहा ये टिकट तो खेलकर की जनता का मानस है, उसी हिसाब से फिर ऊपर मैंने बात करी बीजेपी के अंदर, तो उन्होंने कहा परिवारवाद से बाहर करो, आप परिवारवाद को हम टिकट दे नहीं रहे, परिवार के लोगों को नहीं दे रहे, तो मैंने कहा साहब यहाँ तो जनता को देना ही पड़ेगा नहीं तो मैंने खुद ने गुजरो पड़ी। मैं उन्होंने कहा ठीक है, हनुमान बेनीवाल जो फैसला करता है खेलकर की जनता है सही है, और इसलिए मैंने नारायण को चुनाव के मैदान के अंदर उतारा। ये भी 11 साल से आपकी सेवा के अंदर है, पूरा भरोसा है और गारंटी भी है, अब आपकी डबल पावर हो जाएगी। ये MLA, मैं MP हूँ, इसका रिमोट कंट्रोल तो मेरे हाथ में, चिंता क्यों कर रहा हूँ, उन्होंने रिमोट रोक दें, ठीक है ना गोपाल जी, वैसे सही चलेगा। अरे भाई उन्होंने मतलब कटे मोड़ उड़ जाए, फोन नहीं उठा जाना, बोल बोल फट ले लें हमें, बाकी नहीं कर सकते, तो मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ, आपकी चॉइस थी और आपकी चॉइस में मेरे पार्टी के नेताओं को मनाया और बीजेपी को साथ मैंने इसलिए रखा, कांग्रेस पार्टी तो मेरी सीट खाली छोड़ रही थी, कांग्रेस में खाली छोड़ा है तो मैंने माँ को विरोध बंद कर दो राजस्थान में, तो मंडावा एक ही लेना, मैंने कहा नहीं तो मैं बीजेपी से गठबंधन रखूंगा, मेरा मोदी जी से गठबंधन है तो मैं राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन रखूंगा और ये गठबंधन पंचायत चुनाव के अंदर भी रखूंगा, ये लंबा चलेगा,
और जिस तरह कांग्रेस मुक्त भारत हुआ है उसी तरह कांग्रेस मुक्त राजस्थान करूंगा और कांग्रेस का फुफड़ा साफ करूंगा राजस्थान के अंदर। तो भाइयों इस लड़ाई को लेकर मैं निकला हूँ राजस्थान के अंदर। कांग्रेस के लोग हनुमान थान का देती हो, मैंने तो आपको लड़ना सिखा दिया। पहले पुलिस वाली गाड़ी अंदर गांव वाला दौड़ता खेता में ध्यान होता ना, अरे क्या पुलिस आएगी पुलिस आएगी। अब पुलिस हेलमेट लगा रहा है गाड़ी रात ना आने बची रोड जगह पुलिस वाला। यार मैं ये नहीं कहता कानून हाथ में लो, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने अपने अधिकारों के लिए अपने हकों के लिए आपको लड़ना सिखाया। और नेता पहले सर्किट हाउस वाला एक नंबर कमरा में बैठता और पब्लिक एक किलोमीटर दूर बैठे थे। ये एक नंबर कमरे का जो भय था एमएलए बनते मैंने कहा एक नंबर कमरा खोलो सब जगह। और छह महीने रही हमारे साथ एक नंबर कम लोग बने तो राज को तो जो राज को एक डर एमएलए एमपी मोटा मैंने आम आदमी को ये सिखा दिया कि एमएलए एमपी बड़ा नहीं होता, बड़ी तो जनता है एमएलए और एमपी बड़ा। अब हमारे कांग्रेस उम्मीदवार है वो मुंडवा क्षेत्र अपना पुराना इलाका था। इस इलाके में तो आए 35 साल बाद 15 साल तो मैं हो गया।